हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं बेडरॉक एडिशन के अंदर ट्राइडेंट फार्म। इस ट्राइडेंट फार्म को किस तरह बनाया जाता है मैं एक एक डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, और जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। और जल्दी से चलते हैं ट्राइडेंट फार्म को बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओशन के अंदर हमें 50 ब्लॉक अंदर की तरफ जाना है। क्वेश्चन के अंदर 50 ब्लॉक अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है कि 50 ब्लॉक की ऊपर हाइट लेनी है, हमें 50 ब्लॉक ऊपर की तरफ जाना है। पचास ब्लॉक ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है कि 5x5 का एक एरिया बनाना है। आगे की तरफ बनाओ या पीछे की तरफ, किसी भी तरफ एक एरिया बना लेना है हमें। फाइव बाई फाइव का एरिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो कि 50 ब्लॉक हम ऊपर की तरफ लेके आए ना, उसके ऊपर हमें सीढ़ी लगा देनी है, जिससे कि हम ऊपर और नीचे आसानी से आ जा सकते हैं। पूरे 50 ब्लॉक के ऊपर हम सीढ़ी लगा देंगे। और फिर सीढ़ी लगाने के बाद हमें क्या करना है कि दो शस्ट प्लेस करनी है सबसे पहले, और शस्ट के ऊपर दो हॉपर लगाने, अटैच करके शस्ट के ऊपर, और दो हॉपर पीछे की तरफ लगा दे रहे। इन हॉपर को लगाने के बाद हमें हॉपर के चारों तरफ कॉबल स्टोन प्लेस कर देना है। और प्लेस करने के बाद जितने हमने वो ब्लॉक प्लेस किए उनकी 20 हाइट लेके जानी है हमें। ऊपर के चारों तरफ जितने भी ब्लॉक है उनको 20 हाइट तक लेके जाना है। जिससे कि वो ट्राइडेंट वाले जो भी होंगे वो अच्छी तरह डैमेज होके नीचे गिरेंगे और हम उन्हें आसानी से किल कर सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है कि 7 ब्लॉक इसको बड़ा करना है, चारों तरफ इसको 7-7 ब्लॉक बड़ा कर देना है पूरे एरिया को। चारों साइड 7-7 ब्लॉक हमें स्पेंड करना है। बाद में हमें इन पूरे जो हमने 7-7 ब्लॉक की लाइन खींची है इनको पूरे अंदर की तरफ फिल कर देना है, भर देना है पूरी तरह से। ये भरने के बाद इस तरह के दिखना चाहिए, आपका भी और मेरा भी इस तरह दिखता है। और बाद में हमें एक ब्लॉक लगा के बाहर की तरफ एक ब्लॉक लगा के ऊपर लेना है एक ब्लॉक को, और फिर उनकी लाइन खींच लेनी पूरी। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको करना है, तभी ये फार्म आपका वर्क करेगा। और फिर हमें 6 ब्लॉक जो ऊपर हमने लाइन खींची थी उससे 6-6 ब्लॉक लेके और इसको बड़ा करना है। चारों तरफ हमें 6-6 ब्लॉक लेके इसको बड़ा कर देना है। पहले हम 6-6 की मार्किंग लगा देंगे और बीच में जो एरिया बचेगा उसको हम पूरा भर देंगे। और जल्दी से हमने मार्किंग लगा दी और जो भी बीच में एरिया आ रहा है 6 ब्लॉक के उसको मैं भर देता हूँ।
अब एरिया पूरी तरह से फिल हो चुका है, तो हमें क्या करना है कि कॉर्नर से शुरू करना है और इसकी एक बाउंड्री बना लेनी है। एक एक ब्लॉक रखते जाना है ऊपर की तरफ। इधर हम क्या करेंगे कि पानी डालेंगे, पानी का फ्लो बनाएंगे। और ये होने के बाद कॉर्नर के अंदर जिस तरह से मैं 3 ब्लॉक लगा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी 3 ब्लॉक लगा लेने। इस कॉर्नर के अंदर हम ऊपर से पानी डालेंगे। सबसे पहले हमें चारों कॉर्नर के अंदर ऊपर वाले ब्लॉक पे पानी डाल लेते। और ये मकड़ी कहाँ से आ गई, इसको मारते और पानी डालते। और चारों कॉर्नर में पानी फिल हो चुका है। हमें यहाँ पर एक ब्लॉक का गैप लेकर बाकी वाले सभी ब्लॉकों में अंदर पानी डालना है। जो पास वाला एक ब्लॉक होता है उस पर पानी नहीं डालना है। यहाँ पर भी हमें एक ब्लॉक का गैप ले लेंगे। ये देखो, पहला ब्लॉक छोड़ा और बाकी वाले ब्लॉकों में सार के अंदर पानी डाल देंगे। आपको अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बना लेना और बाद में बकेट लेके इधर पानी डाल लेना है। 2 बकेट डालने के बाद ये ऑटोमेटिक बन जाता है और आपका भी इस तरह से दिखना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, लीव लेके सभी जो कोबल स्टोन दिख रहे हैं उनके ऊपर लगा देनी है, जिससे कि इसके ऊपर कोई मॉब वगैरह स्पॉन ना हो। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ लीव। लीव्स ऊपर लगाने के बाद हमें क्या करना है, इन लीव को 15 की हाइट तक लेके जाना है ऊपर, 15 ब्लॉक की हाइट तक लेके जाना है। पंद्रह ब्लॉक की हाइट तक ले जाकर आपस में इनको कनेक्ट कर देना है। सभी को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो भी 20 का एरिया बचता है उसके सारे को हमें पूरा भर लेना है, फुल कर देना है। और सारा का सारा 20 का एरिया जितना भी था मैंने ये फुल कर दिया है। और फिर हमें क्या करना है कि इससे जो हमने बनाया ऊपर की लीव से, इसको 6 ब्लॉक और बड़ा करना है चारों तरफ, 6 ब्लॉक। चारों तरफ जो मैंने ब्लॉक लगाए मार्किंग वाले, अब मैं इसको पूरा का पूरा फ्यूल कर देता हूँ, फुल कर देता हूँ। और पूरा का पूरा बनाने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। और जो 20 के ब्लॉक है उनको तोड़ देने। और फिर हमें आ जाना है नीचे बेस, जहाँ पर हमारा किलिंग चैम्बर बनाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले टॉर्च लगा देनी है, जिससे कि कोई मॉब वगैरह स्पॉन भी ना हो और हमें अच्छी तरह दिखना शुरू हो जाए। हमें लीव ऊपर लगाइए, वो सिर्फ अंधेरा करने के लिए लगाइए, जिससे कि मॉब से स्पॉन हो जाए वो टाइडेंट वाले जॉम्बी। तो कोबल स्टोन लगाएंगे और ऊपर के ऊपर हम स्लैब लगा देंगे। और ये देखो, 2 मिनट मैंने यहाँ इधर रुका था तभी ये जॉम्बी जाना शुरू हो गए टाइडेंट वाले।
आपको क्या करना है कि लूटिंग 3 की स्वॉर्ड लेके आना और इन्हें जॉम्बियों को किल करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइडेंट मिलने की संभावना रहेगी। और ये देखो एक छोटा जॉम्बी भी साथ में वो लेके आया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और फार्म अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का फार्म बनने के बाद दिखेगा आपको किस तरह का कैसा लग रहा है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।